आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर विज्ञान भवन से। आपको बता दें कि बैठक के लिए विज्ञान भवन में किसान जो है वो पहुंच गए थे और अब जो है वो वार्ता जो है शुरू हो गई है। किसानों पर अमित शाह के घर पर बैठक पहले खत्म हुई। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता। बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान पहले ही पहुंच चुके थे, अब नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो किसान नेता विज्ञान भवन में मौजूद हैं। किसानों से बातचीत से पहले अमित शाह के घर पर बैठक खत्म हुई और अब किसानों के साथ 10वें दौर की वार्ता। काफी अहम ये वार्ता मानी जा रही है। किसान आंदोलन लगातार जारी है, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अब ये वार्ता काफी अहम मानी जा रही है जो कि कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि बैठक के लिए विज्ञान भवन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंच चुके हैं। किसान नेता बैठक के लिए विज्ञान भवन में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो कुछ ही मिनटों में ये वार्ता शुरू होगी और सबकी नजर इस वार्ता पर है क्योंकि खास ये मानी जा रही है। हालांकि बातचीत कल होनी थी लेकिन अब बातचीत आज हो रही है। सरकार ने एक दिन का और वक्त लिया है, समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि चाहे किसान हो चाहे सरकार हो, पीछे कोई नहीं हट रहा है, दोनों अपनी बात पर अड़े हैं और अब देखना यही होगा कि इस वार्ता में क्या समाधान हो पाता है, नतीजा निकल पाता है। फिलहाल आपको बता दें कि बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। तो इस बैठक के लिए किसान नेता विज्ञान भवन में मौजूद हैं। अमित शाह के घर पर बैठक भी हुई है उससे पहले और अब किसानों से बातचीत। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की ये वार्ता काफी अहम। और विज्ञान भवन से सीधे हमारे साथ विनीत कपूर जुड़ गए हैं। तो विनीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रही है बैठक को लेकर। देखिए, सीधे तौर पर किसान नेता जो हैं उनका विज्ञान भवन पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से अगर हम राज्यवाल की बात करें, लखोवाल की बात करें, दर्शन सिंह की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, ये सभी के सभी जो है विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मीटिंग जो है वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ इनकी शुरू हो चुकी है। और इस बैठक के अंदर सीधे तौर पर कई बड़े मसले हैं, जिसमें सबसे पहले मसले की बात करें तो आज कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो MSP का एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया था, किसानों की मांग थी कि MSP को कानून के दायरे में लाया जाए, तो इस मसले पर यहाँ पर सहमति बनती नजर आ सकती है। इसके अलावा खेतीबाड़ी कानूनों को रिपील करने की जो मांग है, इस पर अभी भी संशय बरकरार है कि क्या केंद्र इस मांग को मानने को तैयार होगा, क्योंकि जब तक ये मांग नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बैठक आपने बताया कि शुरू हो चुकी है, तमाम बातों पर आज चर्चा हो सकती है। MSP को लेकर आपने बातचीत की, कहीं ना कहीं आज बात बन सकती है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर के चलते ये हो सकता है। हालांकि पहले भी किसानों की मांगे मानी गई है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की मांगों की बात करें तो किसानों की जो मेन मांग है, यानी तीनों खेतीबाड़ी कानूनों को रिपील करने की, रद्द करने की, उस मांग पर सहमति जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी सभी मांगे जो हैं वो बाद की बात है। अगर उन मांगों पर सहमति बनती भी है तो भी आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा। यहाँ पर किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी मेन मांग जो है वो खेती कानूनों को रद्द करने की है। जब तक इस पर केंद्र कोई सहमति नहीं जताता तब तक आंदोलन जारी रहेगा, बाद में चाहे जितनी मर्जी क्यों ना मांगे मानी हो। इसमें अब सीधे तौर पर अगर हम बात करें, 1950 का जो एक्ट है जिसमें संशोधन किया गया था, उस संशोधन को वापस लेने की एक अहम मांग उठती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा MSP को कानूनी दायरे में लाने के लिए कानून बनाने की मांग जो है वो उठती नजर आ रही है। इसके अलावा जो NIA की तरफ से किसान नेताओं को बिल्कुल। फिलहाल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी दी। जो आप बने रहिएगा इस खबर पर। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।